दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने राजधानी देहरादून में देवभूमि डायलॉग कार्यक्रम में उत्तराखंड के व्यापारियों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, राज्य में व्यापार की संभावनाओं पर मंथन किया और व्यापारियों की समस्याओं पर बातचीत की। मनीष सिसोदिया ने इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड में व्यापार की बेहद संभावना है, लेकिन यहाँ की सरकारों ने कभी व्यापारियों के बारे में नहीं सोचा। जैसा मैंने दिल्ली के बारे में कहा कि जीएसटी का कोई भी फैसला जीएसटी में जब होता है तो उससे पहले मैं दिल्ली के सारे व्यापारियों के संगठनों से सबसे मिलके जाता हूं कि भाई आप बताओ क्या कहना है इस मुद्दे पे, क्या कहना है, क्योंकि मैं अपने लिए थोड़ी जा रहा हूं, उनके लिए जा रहा हूं वहां पे। मैं तो खुद व्यापारी नहीं हूं, लेकिन मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं उनका वहां पे। तो वैसे ही उत्तराखंड में सरकार बनवाइए, ये हमारी गारंटी रहेगी कि उत्तराखंड का जो भी वित्त मंत्री होगा वो बिना व्यापारियों से मिले कोई काम नहीं करेगा, ना जीएसटी की मीटिंग में जाएगा। और जब तक उत्तराखंड में अभी सरकार नहीं है, अगले दो ढाई महीने आम आदमी पार्टी की, तब तक आप मुझे बता दीजिए जीएसटी की कोई मीटिंग होगी तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं इसकी, आप चिंता मत करिए। तब तक मैं, क्योंकि बतौर मेंबर मैं वहां बैठता हूं, तो मैं सब पूरे देश की बात में रख सकता हूं। आप नेता मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों से कहा कि उत्तराखंड में अगर आप पार्टी की सरकार आती है तो उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाओं पर काम किया जाएगा और व्यापार को मजबूत करने का काम आप पार्टी करेगी, जिसके लिए उनकी टीम कार्य योजना तैयार करने में जुटी है। उत्तराखंड में भी बहुत संभावनाएं हैं, दिल्ली में तो फिर भी हमारी मजबूरियां हैं, दिल्ली में जमीन दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती, दिल्ली के बहुत सारे अधिकार वहां पे एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, वैसे भी छोटी जगह है, लेकिन दिल्ली में इस कंस्ट्रेंट के बावजूद इतनी तरक्की हो सकती है तो उत्तराखंड में तो व्यापार बहुत फल फूल सकता है। दिल्ली फिर भी एक अलग तरीके का शहर है, कॉम्पैक्ट सिटी है, यहां तो फैला हुआ है पूरा, यहां पर जितनी संभावना है। और पर्यटन के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने कहा है आध्यात्मिक राजधानी बनाना है इसको, आध्यात्मिक क्षेत्र में खूब रोजगार की संभावनाएं हैं, खूब व्यापार की संभावनाएं हैं, और उसका मॉडल आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आएगी। अपना एक पूरा विशेष विंग इस पे काम कर रहा है कि सरकार बने तो किस किस तरह से यहां पे बिजनेस मॉडल को किसको आगे बढ़ाया जा सकता है।